साथियों, टुकड़ों में सोचने की सरकारी परंपरा अब समाप्त हो चुकी है। अब साइलोज को खत्म करके सॉल्यूशंस को और सिंक्रोनाइजेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की एक योजना एक एक्शन का दूसरे से सीधा कनेक्शन है। डिजिटल इंडिया अभियान और मेक इन इंडिया अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है। आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल लेन देन का जो भी प्रसार हो रहा है, उसके पीछे सस्ते होते मोबाइल फोन भी एक कारण है। मोबाइल फोन इसलिए सस्ते हुए क्योंकि अब बड़ी मात्रा में भारत में फोन का निर्माण होने लगा है, बनने लगे हैं। आज देश दुनिया के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। आज हम दुनिया में मोबाइल फोन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन की अगुवाई उत्तर प्रदेश कर रहा है। यूपी में 50 से अधिक मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां आज काम कर रही है। हाल में ही दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश में हुई है। आज भी यहां जिन नई फैक्ट्रियों का शिलान्यास हुआ है, उनमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फैक्ट्रियां भी शामिल है। साथियों, आज जो माहौल बना है, उसके लिए बीते 4 वर्षों में अनेक फैसले सरकार ने लिए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले हो, देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देने का फैसला हो, या फिर प्रक्रियाओं को सरल बनाने का फैसला हो, ये सब उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बरसों से जो जीएसटी अटका हुआ था, उसने देश को टैक्स के जाल से मुक्त किया है और इसका भी फायदा उद्योग जगत को हुआ है। बीते वर्ष देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और उठाया पाया गया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया आदेश के द्वारा सरकार के तमाम विभागों और संस्थानों में खरीदी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के डोमेस्टिक सोर्स से खरीदने पर बल दिया जा रहा है। मेड इन इंडिया को बल दिया जा रहा है। इस आदेश का लाभ देश के लघु उद्योगों को भी मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में यहां योगी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आया, नीतियां बनी, अपराध पर नियंत्रण हुआ, उससे यूपी को डबल लाभ हुआ है। साथियों, भाजपा सरकार होलिस्टिक विजन इंक्लूसिव एक्शन, होलिस्टिक विजन एंड इंक्लूसिव एक्शन इस अप्रोच पर काम कर रही है।